नवलपुर थाना क्षेत्र की एक छात्रा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो अपने प्रेमी से शादी कर लेने की बात कह रही है। उसका कहना है कि वो अपनी प्रेमी शिक्षक को लेकर भागी है। परिवार के लोग इस शादी के खिलाफ थे। उसने कहा कि हम लोगों में काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मैं कोचिंग में पढ़ने जाती थी और इसी दौरान प्यार हो गया। 3 महीने पहले मैंने कोचिंग में पढ़ना छोड़ दिया था। घर पर जब भी मैंने इनसे बात की तो मेरे घर वाले विरोध करते थे, मुझे मारते पीटते थे और इसलिए मैं अपने प्रेमी शिक्षक को लेकर भाग आई हूँ। अब मैं जीऊंगी तो साथ और मरूंगी तो साथ। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि विराट 24 न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में छात्रा आरोप लगा रही है कि घर वाले उसे मारने की फिराक में थे इसलिए वो भाग कर आई। घर वाले झूठा केस किए हुए हैं। उसने कहा कि हम लोग शादी कर लिए हैं, मेरे परिवार वालों ने जो केस दर्ज कराया है वो गलत है। घटना नवलपुर थाना क्षेत्र की बताई जाती है, जहां छात्रा और शिक्षक घर से प्रेम प्रसंग में फरार हो गए। छात्रा के पिता ने नवलपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। इसके बाद छात्रा ने अपनी शादी का वीडियो वायरल किया है। इधर थाना अध्यक्ष अदय सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की बात उन्हें मालूम नहीं है। इस मामले में थाने में छात्रा के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया है। दोनों की तलाश की जा रही है। मैं काजल कुमारी, उम्र 19 वर्ष, पिता रमनाथ साहब, ग्राम पोर्ट थाना नवलपुर के निवासी हूँ। बंधु चौधरी, उम्र 24 वर्ष, पिता आला चौधरी। मैं इनके यहाँ कोचिंग 3 महीना पहले पढ़ती थी। पढ़ते समय के संबंध में मैं कभी कभी बात कर लिया करती थी। इसके कारण मेरे घर वालों ने मुझको बहुत मारते थे, पीटते थे, मजबूर कर दिए थे। 4 महीना में हमको लग रहा था ऐसा कि हमको खा जाएगा लोग। इसके बाद मैं 14/4/2022 को मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैं मजबूर हो गई थी तो मैं क्या करती, मुझे यही अच्छा लगा। वो मेरे पापा जी ने जो केस किए हैं नवलपुर थाना में जाकर के किए, मेरी बेटी को अपहरण करवा दिया है या भगा दिया है, ये सब गलत है। मैं ये हमको नहीं भगाए हैं, मैं इनको लेकर खुद भागी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वही आप लोग सच मानिए। मेरे घर वाला सब झूठ बोला है लोग, वो केस सब झूठ किया है लोग। वो बोल रहा है लो जो कि मैं 11 बजे इनके घर गई थी, वो सब गलत है। मैं इनके घर 11 बजे नहीं गई थी, ये तो करीब 10 बजे का बात है। मैं इनके घर 10 बजे गई थी, वो पढ़ने के लिए नहीं, मैं इनके साथ जाने के लिए गई थी। ये हमको बुलाए नहीं थे, मैं खुद भागने के लिए गई थी। ये बोले थे लोग कि 14 तारीख की तुमको हम रात में मुँह कर फेंक देंगे, तो मैं क्या करती, मैं मुझे यही अच्छा लगा। मैं यही कि मैं चाहती हूँ कि मैं अब जब जीऊँगी तो बंधु चौधरी के साथ, मरूँगी तो बंधु चौधरी के साथ ही। मैं शादी कर चुकी हूँ इनके साथ। मैं चाहती हूँ कि जब रहूँगी तो मैं इनके ही साथ रहूँगी। मेरे घर वाले जो मेरे पिताजी ने केस किए हैं वो सब गलत किए हैं, वो सब झूठा इल्जाम लगाए इन पे किए, हमको लेकर भागे हैं और अपहरण करवाए, सब झूठ है। अपहरण मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है। मैं जहाँ भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ।